पहुंच गई हूं मैं महाराजा भोग जो कि है रॉयल थाली पैलेस। सुना है इनकी थाली में सब कुछ खास होता है, क्या है आज के मेन्यू में चले देखते हैं। फरसान में आज इनके पास है पॉक टिक्की, संगम ढोकला, वेज में है काजू करेला, छोले चना मसाला और साथ में स्ट्रॉबेरी का हलवा। स्ट्रॉबेरी का हलवा काफी इंटरेस्टिंग साउंड करता है। तो अगर ये महाराजा भोग की किचन से चलकर आपकी किचन तक पहुंच जाए तो कैसा हो। तो चलिए आज हम आपके लिए बनाएंगे स्ट्रॉबेरी का हलवा। हलवे में तो देसी घी का ही इस्तेमाल होगा, तो स्ट्रॉबेरी का हलवा बनाने के लिए सबसे पहले हमने डाला है देसी घी। घी को थोड़ा गर्म होने देंगे जी। ये मैडम रवा है? रवा ये थोड़ा सा हल्का सा डाल जी। वाह, रंग देखिए, घी में डालते ही रवे का रंग बदल गया है। रवे का क्या प्रयोग होता है हलवे में शेफ? मैडम स्ट्रॉबेरी का, जो स्ट्रॉबेरी में पानी आता है वो पीस देता है। अच्छा ठीक, मावा। क्या बात है, तो भर भर के मावा डालिए स्ट्रॉबेरी के हलवे में। क्वांटिटी का थोड़ा ध्यान रखिएगा, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए हलवा बन रहा है, आपको सिर्फ 4-5 लोगों के लिए बनाना होगा। और अब मावा, रवा और देसी घी को मिलाएंगे। तो अच्छे से हमने मावा भून लिया है, तो मावा, रवा और देसी घी, इसके बाद स्ट्रॉबेरी, कटी हुई स्ट्रॉबेरी सीधा इसमें डाल देंगे जी। वाह क्या मिश्रण है, मावा है और मावे के ऊपर ताजा ताजा लाल लाल स्ट्रॉबेरी। तो मावे में अच्छे से मिलाएंगे स्ट्रॉबेरी, और अब क्या डालेंगे शेफ? शक्कर। शक्कर बाद में डालेंगे, पहले हमने स्ट्रॉबेरी डाली। चीनी को अच्छे से मिलाइए ताकि जो चीनी का जो सॉलिड पार्ट है वो जब हलवा खाएं तो मुंह में ना लगे। तो देख रहे हैं आप कि धीरे धीरे इस हलवे का जो रंग है वो बदल रहा है। शेफ कितनी देर और भूनेंगे आप इसे? बस हम डालेंगे बादाम जी, घिसा हुआ बादाम है। ऊपर से हमने ड्राई फ्रूट्स का प्रयोग किया है, खासतौर पर बादाम का। स्ट्रॉबेरी के फ्लेवर में हमने डाला था बादाम, और बादाम के बाद कोकोनट पाउडर। ऊपर से डालिए कोकोनट पाउडर, इलायची पाउडर ऊपर से फ्लेवर के लिए, अच्छी खुशबू के लिए, जिसकी खुशबू यहाँ तक आ रही है। तो स्ट्रॉबेरी के हलवे में कोकोनट पाउडर डालने के बाद हमने डाला है इलायची पाउडर। तो शेफ क्या बनकर तैयार है स्ट्रॉबेरी का हलवा? तो बनकर तैयार है स्ट्रॉबेरी का हलवा, अब वक्त है स्ट्रॉबेरी के हलवे को टेस्ट करने का। वाकई काफी अलग, काफी लजीज, काफी स्वादिष्ट है ये हलवा, जिसमें आपको स्ट्रॉबेरी का जो टेस्ट है, स्ट्रॉबेरी का जो फ्लेवर है वो अलग से मिलता है। जरूर ट्राई कीजिएगा स्ट्रॉबेरी का हलवा।